करते हैं, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं सबसे पहले कैलकुलेटर ट्रिक्स, ठीक है क्या? मैं एक एक करके आपको कैलकुलेटर की ट्रिक्स बताऊंगा। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं अभी हम जो करने वाले हैं उसको आपको दिमाग मतलब मन में नहीं करना है, खुद की कैलकुलेशन स्किल्स नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ कैलकुलेटर से सॉल्व करना है चीजों को, ठीक है क्या? फिर अपन देखेंगे कि आंसर सही आता है कि गलत आता है, ठीक है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 5 into 2 प्लस 6 into 3 प्लस 7 into 4 करो कितना आएगा आंसर? कैलकुलेटर दूं? दे रहा हूं लाके। ये सही है आंसर? वैसे तो 5 into 2 10 होता है, 6 into 3 18 होता है, और 7 into 4 28 होता है, और तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 56। लेकिन कैलकुलेटर से किया तो आया क्या आंसर? नहीं, 220 आया, ठीक है क्या? गड़बड़ी है, कैलकुलेटर बॉड मास नहीं जानता कि पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है। हमने पहले क्या किया? मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया? प्लस किया। इसको करने का मैं तुमको तरीका बताता हूं कैलकुलेटर से। करो 5 into 2 इक्वल टू 10 आया एम प्लस, फिर 6 into 3 इक्वल टू एम प्लस, और 7 into 4 एम प्लस, आखिरी में एमआरसी आया। M प्लस का मतलब होता है मेमोरी प्लस, ये मेमोरी में रख लेता है। अभी तुमने क्या किया? 5 into 2 10 लिखा, 7 into 6 into 3 लिखा, 7 into 4 लिखा, और फिर बाद में जाके क्या किया? प्लस किया। तो क्या आपको लिखना ना पड़े, इसलिए कैलकुलेटर के पास भी मेमोरी है, मेमोरी प्लस, वो मेमोरी में रख ले रहा है। तुमने 5 into 2 M प्लस किया तो उसको याद है मैंने मेमोरी में रख लिया और मुझे इसको प्लस करना है। 6 into 3 18 मेमोरी प्लस, और 7 into 4 28 मेमोरी प्लस। जब मेमोरी प्लस किया और आखिरी में क्या कर दिया? एमआरसी बोले तो मेमोरी रिकॉल। क्या बात समझ में आ रही है? जो जो प्लस किया था वो उसको आखिरी में प्लस करके दे देगा। क्या आपको समझ में आया? तो ये होता है एम प्लस और एमआरसी का खेल। क्या बात समझ में आ रही है? एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, करो 48 into 34 प्लस 76 into 52 प्लस 98 into 2। सब अलग अलग बता रहे हो। 48 into 34 इक्वल टू जो आंसर आएगा एम प्लस। पहले देखो ना 48 into 34 कितना आया, इक्वल टू करके देखो कितना आया, फिर उसको एम प्लस, ठीक है। 76 into 52 इक्वल टू एम प्लस, और 98 into 2 अच्छा, तेरे पास केशियो वाला कैलकुलेटर है ना, इसमें एक गलती है। केशियो वाले कैलकुलेटर में क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जो ये एम लिख के आ रहा है, ये एम लिख के आ रहा है मतलब कि ये पुरानी वाली मेमोरी भूला नहीं है जो पिछले क्वेश्चन में तुमने की थी 5 into 2 और वो सब। क्या बात समझ में आ रही है? जब तुम एमआरसी दो बार दबाओगे मतलब ये एम गायब हो गया, मतलब ये मेमोरी अब ये भूल गया, अब तुम करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसलिए बोलता हूँ केशियो वाले कैलकुलेटर अवॉइड करो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। करो जल्दी से, क्या होता है आप करो 48 into 34 इक्वल टू एम प्लस, 76 into 52 इक्वल टू एम प्लस, और 98 into 2 इक्वल टू एम प्लस, और फिर क्या हो जाएगा एमआरसी 5780। सबका आया आंसर? फटाफट बोलो, कैसे नहीं आएगा बेटा?
इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। सीधे एम प्लस भी दगाओ तो भी चल जाएगा, मतलब आप 48 इंटू 34 एम प्लस, 76 इंटू 52 एम प्लस और 98 इंटू 2 एम प्लस एम आर सी इक्वल टू नहीं भी दबाओगे तो भी चलेगा 48। अरे समझो समझो, रट्टा नहीं मारो, लॉजिक समझो। 48 इंटू 34 करो, 48 इंटू 34 करो, 48 इंटू 34 इक्वल टू मत दबाना, 48 इंटू 34 बस रुक जाओ। अब एम प्लस दबाओ, वो खुद ही बता देगा उसने कितना लिया है, 1632, वो खुद ही इक्वल टू कर दे रहा है। या फिर तुम अब एसी ये पूरा क्लियर करो, एसी दबाओ, एसी मेमोरी क्लियर करो। हाँ अब 48 इंटू 34 इक्वल टू, और फिर एम प्लस दबाओ। बात एक ही है ना, तुमने सीधे एम प्लस भी दबा दिया तो वो इक्वल टू करने के बाद ही एम प्लस में लेता है। मैं इक्वल टू एम प्लस इसलिए बोलता हूं ताकि लॉजिक क्लियर हो तुम्हारा कि तुम कर क्या रहे हो। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो? पक्का भाई? और मैं बोलूंगा कि अब केसी वाले कैलकुलेटर को हटा के वो वाला ले लेना, मतलब बेसिक सिटीजन वाला, ठीक है क्या? अभी उसकी मेमोरी क्लियर कर, नहीं तो अगला नहीं बनेगा। हाँ यहां तक समझ में आया? आया सबको? अब हम करेंगे एम माइनस। क्या करेंगे? एम माइनस। अब मैं बोलता हूं 12 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 4 माइनस 17 इंटू 30। हाँ 12 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 3 प्लस 19 इंटू 4 माइनस 17 इंटू 30। मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो 12 इंटू 5 कितना होगा? 60। 12 इंटू 5 कितना होगा? 60। 18 इंटू 3 कितना होगा? 54। 19 इंटू 4 कितना होगा? माइनस 17 इंटू 30 510। सॉल्व करो कितना आएगा? अब मतलब आप अपने दिमाग से कैलकुलेटर के उससे नहीं, 60 प्लस 54 प्लस 76, मतलब कैलकुलेटर यूज कर लो, 60 प्लस 54 प्लस 76 माइनस 510 कितना आएगा? 60 प्लस 54 प्लस 76 माइनस 510, तो सही आंसर क्या है? माइनस 320। सबका 38 आया? तो तभी तो समझे नहीं, पहले ही करने लगे ना, मैंने बताया था कि एम माइनस कैसे यूज करना है, दौड़ लगा दी तुम लोग, मैंने भी कुछ नहीं बोला, कर लो भाई, समझ गए? करो अब मैं जैसे बोल रहा हूं करो, अब समझना, लॉजिक समझ के करना। पहले एसी क्लियर करो, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 5 एम प्लस, अब जब एम प्लस किया तो ये प्लस में गया है, ठीक है, फिर 18 इंटू 3 एम प्लस, ये प्लस में चला गया, 19 इंटू 4 एम प्लस, और 17 इंटू 30 एम माइनस एम आर सी माइनस 320। एम आर सी नहीं दबाया बेटा, एमआरसी नहीं दबाया, एमआरसी नहीं दबाया, एमआरसी दबाओ। लॉजिक क्लियर हुआ? अरे हुआ, अभी ये भले टैक्टिक लग रहा हो लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस करने जाते हैं तो ये बहुत काम आता है। क्या बात समझ में आ रही है? जब आप कैलकुलेशंस करोगे आपको करना होगा 18 इंटू 54 प्लस 15 इंटू 17 प्लस इतना, ये करना होगा तो आप इसको ऐसे यूज करते हो। क्लियर है क्या? चलो अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, तुम मेरे को करके दिखाना। 1300 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2, बिना कॉपी पेन यूज किए करना है, कैसे करोगे? एम प्लस एम आई थी एम आर सी सब भूल जाओ, अपना दिमाग लगाओ, जो गणित तुमको बचपन से आती है उसके हिसाब से तुमको करना है, कैसे करोगे बताओ? क्या 144 कैसे आएगा?
भैया मैं बोल रहा हूँ तुम कैलकुलेटर ट्रिक भूल जाओ, जो जैसे करते हो अपनी गणित मत भूल जाना कैलकुलेटर के चक्कर में। 18 × 2 = 36 होता है, और 1300 / 36 कितना होगा? 1300 / 36 36.1111। क्या बोल रहे थे इससे पहले ये? हाँ ऐसे ही, हाँ तुमने क्या किया था, 1300 / 18 × 2 अगर गलत हो जाएगा ना, पहले 1300 / 18 होगा, जो आंसर आएगा तुमने उसको इंटू टू कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। अभी ये समझ में आया तुमने क्या किया, 1300 / 36। अभी तो 18 × 2 तुमने 36 तुमको पता था, तुमने कर लिया। अब मैं बोलता हूं 52,000 / 74 × 13। अभी भी बोलूंगा अपनी गणित लगाओ, कैलकुलेटर का दिमाग नहीं लगाना है, अपनी गणित लगाना है। कैसे आया? 74 × 13 किया, 74 × 13 किया कितना आया? 962। ये 962 तुमने याद रख लिया, ऐसे किया, पहले नीचे सॉल्व किया ना बोर्ड मास, पहले मल्टीप्लाई, 962 याद रख लिया, और फिर तुमने क्या किया, 52,000 / 962 कितना हो जाएगा, 54.05, राइट। लेकिन ये खुद से क्यों याद रखना है, अब कैलकुलेटर को याद रखाओ ना, कैसे करोगे, 74 × 13 करो, कितना आया, 962 आया, एम प्लस, ये मेमोरी में है इसके। अब 52,000 को किससे डिवाइड करना है जो मेमोरी में रखा है, डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, समझे लॉजिक, समझे क्या हुआ, तुमने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे किया, 74 × 13 क्या किया, 74 × 13, 962 याद रखा, 962 याद रखा अपने दिमाग में, इंसान के दिमाग में। फिर तुमने क्या किया, 52,000 डिवाइडेड बाय जो दिमाग में याद रखा था उसको लिखा, क्या लिखा, 962, और फिर इक्वल टू दबाया तो तुम्हारा 54.05 आया। ये तुमने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किया, हाँ या ना बोलो। यही चीज कैलकुलेटर में कैसे करोगे, 74 × 13 इक्वल टू 962, कैलकुलेटर तुम याद रखो, एम प्लस याद रख लिया कैलकुलेटर ने। अब 52,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है मेमोरी याद कराओ, मेमोरी रिकॉल, एमआरसी इक्वल टू 54.05। लॉजिक क्लियर हुआ, क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोलो ना यार, पक्का? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको एम प्लस एम माइनस एम आर सी यूज कराने का, हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया आंसर, ही नहीं आया कि समझ नहीं आया, आंसर कैसे नहीं आया, 74 × 13 एम प्लस हो गया, मैम एम प्लस 52,000 डिवाइडेड बाय एम आर सी, एम प्लस नहीं ना बेटा, आप तो मेमोरी रिकॉल कराना है ना तुमको, डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू, जो दो बार प्लस थोड़ी, अब इसको फिर से याद रखना है क्या, नहीं, डिवाइडेड बाय जो मेमोरी में था उसको रिकॉल कराना है ना। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको क्या कर रहे हो, हाँ ना बोलो ना बे। मजे की बात यह है बेटा, ये कैलकुलेटर में बहुत सारी चीजें ताकतें हैं, हमको पता नहीं थी, हम आज तक सिर्फ इसको इतने पोर्शन को यूज करते आए थे, हमने कभी एम प्लस एम माइनस सोचा ही नहीं क्यों दिए ये बटन इनने। आएगा आएगा सब आएगा, हाँ अब ये धीरे धीरे करते करते सीखेंगे ना यार, अब ऐसी और 25 ट्रिक होंगी जो मेरे दिमाग में है, वो तो करते करते जब जब जो यूज आएगी। यहां तक समझ आया? चलो एक और को बताता हूं, एक और दे रहा हूं पहले, 280,000 डिवाइडेड बाय 28 × 44 करो, 280,000 डिवाइडेड बाय 28 × 44 एम प्लस में डाल दो। अब ये मेमोरी में पड़ा है, 280,000 को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू 227.27272। यहां तक समझ आ गया सबको? पक्का? चलो अब एक और मैंने सिखाया था उस दिन वैसे, लेकिन फिर से बताता हूं, अगर 52,000 को बांटना है 5:3:2 में तो क्या करोगे, कैसे बांटोगे? 52,000
अगर नॉर्मली करते तो कैसे करते, 52,000 इंटू 5/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10, तो 3 बार डिवाइडेड बाय 10 करते, इससे अच्छा 1 बार डिवाइडेड बाय 10 कर लो, 52,000 डिवाइडेड बाय 10 याद हो गया, इंटू इंटू 5 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू, कितना कितना आएगा बताओ, सारे बताओ ना, लास्ट वाला क्या, 26,000 15,600 और 10,400, एक बार 5/10 करना है, एक बार इंटू 3/10 करना है, एक बार इंटू 2/10 करना है, सब में डिवाइडेड बाय 10 कॉमन निकाल लो, सब में डिवाइड बाय 10 क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो 52,000 डिवाइडेड बाय 10 5,200। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार 5 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार दबा दिया, अब इसको याद हो गया कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है क्या, 5 इक्वल टू 3 इक्वल टू और 2 इक्वल टू 26,000 15,600 10,400, क्लियर हुआ पक्का, चलो अब और देखते हैं, और क्या सिखाऊं, एम प्लस एम माइनस एम आर सी सिखा दिया, अभी रुक जाओ ना, जी टी एम यू बाद में।